शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो ध्यान चरणों में इसके धरो। तो सभी शहरवासियों को भक्तों को जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। मैं पंडित चिमन लाल पुजारी श्री राम मंदिर फाजिल का। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सावन महीने की, जो 6 जुलाई 2020 से शुरू होकर 3 अगस्त 2020 तक है। इस सावन महीने में भगवान शिव का पूजन विशेष माना जाता है। इस महीने में पड़ने वाले सोमवारों को लोग विशेष पूजन करते हैं और पूजन के अंदर दूध है, जल, दही, गंगा जल, गन्ने के रस से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं और अपनी मनोवांछित जो इच्छाएं आप पूरी कर सकते हैं। भगवान शिव आपकी मनोवांछित सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। पूरे महीने के अंदर भगवान शिव का महारुद्राभिषेक किया जाता है, खास करके जो सोमवार सावन महीने में पड़ते हैं इन सोमवारों को विशेष पूजन किया जाता है। तो स्त्रियां हैं या कुंवारी होती लड़कियां हैं, वो सोमवार के व्रत रख के मनोवांछित फल की प्राप्ति करती हैं। तो मैं सभी भक्तों को ये कहूँगा कि भगवान शिव का ये पूजन विशेष पूजन किया जाए और भगवान शिव की शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। सावन महीने में कई लोग मानते हैं भी भगवान शिव को प्रिय क्यों है, तो इसमें कई धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है, कई प्रकार के वर्णन बताए गए हैं, जिसमें शिव पुराण में यह भी बताया जाता है कि इस महीने के अंदर जो भगवान शिव है वो पृथ्वी लोक पर मानव रूप में आकर अपने ससुराल जाते हैं। इस महीने में सावन महीने में प्रमुख त्यौहार आते हैं, जैसे हरियाली तीज है, नागपंचमी है, रक्षाबंधन है, तो ऐसे त्यौहार आने की वजह से यह सावन का जो महीना शुभ माना जाता है। इस महीने में बारिश बहुत अधिक होती है, तो ये चारों तरफ हरा भरा होने की वजह से भी इसको शुभ माना जाता है। इस महीने में एक और भी कथा वर्णित की गई है सावन महीने में, जो माता सती थी जब अपने पिता के यहाँ पर, दक्ष के यहाँ पर जो अग्नि के अंदर जब वो प्रवेश की, तो उस टाइम उन्होंने ये प्रण किया था कि भगवान शिव को मैं हर जन्म में पति के रूप में प्राप्त करूं। उसके बाद में माता पार्वती के रूप में राजा हिमाचल और रानी मैना जी के घर में पार्वती के रूप में जब प्रकट हुई, तो कहते हैं भी इस महीने में माता पार्वती जी ने निराहार रहकर कठोर तपस्या करके भगवान शिव की आराधना करके भगवान शिव के साथ विवाह किया था। तो इसलिए जो महीना है भगवान शिव को बहुत ही प्रिय माना जाता है। इस महीने में एक और भी पुरानी कथा हमारे को मिलती है, जिसमें कहते हैं कि चार महीनों के लिए जो भगवान श्री विष्णु जी हैं वो अपनी योग निंद्रा में चले जाते हैं, तो मानव की भलाई के लिए, भक्तों की भलाई के लिए, साधु संतों की भलाई के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए ये जो आप कहते हैं जी इसका जो प्रधान देवता भगवान शिव को बनाया जाता है इन 4 महीनों के लिए। तो ये 4 महीने में अंदर भगवान शिव का विशेष पूजन माना जाता है। उग्रति तिथि को चौमासा भी कहा जाता है जी। तो भगवान शिव का जो पूजन है विशेष करके माना जाता है। आप बेलपत्रों से या भगवान शिव के 108 नामों से भी आप विशेष पूजन कर सकते हैं, जिसमें भगवान शिव को आप कोई भी 108 वस्तु चढ़ाकर भगवान शिव के 108 नामों का उच्चारण करके भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव की तपस्या करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस महीने में भगवान शिव जो सावन का महीना प्रिय है होने का एक और भी कारण है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर मानव लोक में अवृत होकर अपने ससुराल गए थे और इसी महीने में वो ससुराल जाते हैं।
तो पृथ्वी वासियों के लिए, भूलोक वासियों के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये जो समय होता है बहुत ही शुभ समय होता है। इस समय के अंदर भगवान शिव की आराधना करके, पूजन करके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। पुरानी कथा के में एक और भी वर्णन आता है कि सावन माह में समुद्र मंथन किया गया था, इसी महीने में जो समुद्र का मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन के बाद हलाहल से जो जहर, जो विष निकला था, उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में समाहित करके सृष्टि की रक्षा की थी। लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण का हो गया, जिसको अपान नीलकंठ भी कहा जाता है भगवान शंकर को, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने भगवान शिव का जल से अभिषेक किया था, उस जो जहर का है, उस विष का जो है प्रभाव कम हो। तो इसी कारण भगवान शिव को इस महीने में जल चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पे जल चढ़ाने का मतलब है, यही वजह है कि सावन मास में भोलेनाथ को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेखनीय है कि भगवान शिव है, भगवान जो शिव है खुद समय ही जल है, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना करना सर्वोत्तम है, जिसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में सावन महीने में, वो आपको मैंने आगे बताया था, ये भगवान जो विष्णु जी हैं वो योग निंद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि के पालन के लिए, लोगों भक्तों के पालन के लिए उत्तराधव जो है भगवान शिव को बनाया था, तो इन महीने में भगवान शिव जो है सभी की रक्षा करते हैं। सावन मास में भगवान शंकर जी की पूजा उनके परिवार के संग करने चाहिए। कहते हैं सावन का महीना पूरा शुभ महीना माना जाता है, इसमें किसी प्रकार के विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। अगर सावन को छोड़ के आप आगे पीछे भगवान शिव का पूजन करोगे तो आपको शिव वास देखना जरूरी है, शिव जी का पूजन का विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सावन मास में आपको विशेष करके मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरे परिवार संग भगवान शिव का पूजन किया जा सकता है, इसलिए इस मास में प्रत्येक दिन भगवान शिव का महारुद्राभिषेक किया जा सकता है, जबकि अन्य माह में भगवान शिव का ये मुहूर्त देखना पड़ता है। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में जल, दूध, शुद्ध घी, शहद, शक्कर, चीनी, गंगा जल तथा गन्ने के रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक करने के बाद में बेलपत्र, शमी पत्र, कुशा, दूब आदि से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वो चढ़ाए जाते हैं। अंत में भांग, धतूरा और श्रीफल भोलेनाथ जी को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। शिवलिंग कहते हैं भी शिवलिंग पर बेलपत्र तथा शमी पत्र चढ़ाने का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं, जो कि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं। कहते हैं, कहा जाता है भी आग का एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर उसका पुण्य माना जाता है। तो और हजार आग के फूलों की उपेक्षा में एक कनेर का फूल सबसे उत्तम माना जाता है। हजार कनेर के फूलों के चढ़ाने की उपेक्षा में एक बेल पत्र भगवान शिव को चढ़ाना सबसे उत्तम, अति उत्तम माना जाता है। तो मैं सभी भक्तों से यही अनुरोध करूँगा, सावन मास प्रारंभ हो चुका है, तो अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति करने हेतु आप भगवान शिव का पंचामृत से, दूध से, अपना गन्ने के रस से आप भगवान शिव का महारुद्राभिषेक करें और अपनी समस्त कामनाओं की आप प्राप्ति करें। अगर आप पूरा महीना नहीं कर सकते आप, तो जो सावन के 5 सोमवार, इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार आ रहे हैं, 5 सोमवारों को आप विशेष करके ये पूजन करें और पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक करें, भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति करें। इसी आशा के साथ में सभी को मैं भगवान शिव को ये प्रार्थना करूंगा, सभी भक्तों के लिए भी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान भोलेनाथ सब पे शुभ आशीर्वाद बनाए, और जो ये कोरोना महामारी जैसी ऐसी आज हमारे देश के अंदर जो भारी भयानक रूप धारण कर चुकी है, तो इसका निपटारा करें और सभी भक्तों की अपार कृपा बनाए। जय भोलेनाथ, बोल शंकर भगवान की जय।